हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे गैराज में आई है हीरो वालों की स्प्लेंडर प्लस VS6 FI वेरिएंट बाइक। आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे ही अपनी बाइक का हम इग्निशन ऑन कर रहे थे तो न्यूट्रल लाइट और चेक इंजन लाइट ये दोनों जल रही हैं, और जैसे ही अपनी बाइक को हम स्टार्ट कर लें कुछ इस तरह से, जो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो चेक इंजन लाइट है ये बंद हो जा रही है और अपनी बाइक स्टार्ट है। जैसे इसकी रेस छोड़ते हैं इस तरह से दोस्तों, जो अपनी बाइक है एकदम बंद हो जा रही है। मैं थोड़ा आवाज़ सुना दूँ इसको करीब में, पहले बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरह से बाइक स्टार्ट हो गई है और जैसे ही रेस छोड़ता हूँ ये दोस्तों, इस तरह से इसकी जो है स्टार्टिंग जो है वो बंद हो जा रही है जैसे हम अपनी रेस छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें मान फंक्शन जो लाइट है वो भी बंद हो जा रही है, यानी कि इसमें जो है कोई सेंसर वेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या है, एक छोटी सी हम सेटिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी सॉल्व देखेंगे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो या नहीं। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसके टोटल बॉडी में यहाँ पे ये प्लास्टिक का स्क्रू होता है, मैं थोड़ा करीब से दिखा दूँ आपको ये। तो इसको दोस्तों, हो सकता है किसी मैकेनिक भाई ने या किसी बंदे ने ज़्यादा टाइट कर दिया हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, अपनी बाइक की जैसी हम रेस छोड़ते हैं तो बाइक जो होती है वो बंद हो जाती है। तो थोड़ा इसको पहले ढीला कर लेते हैं, तो पहले इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में अपनी बाइक को हम स्टार्ट करके देखेंगे जो बाइक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। तो पहले इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद में दोस्तों अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे हम। तो दोस्तों, अपनी बाइक जो है स्टार्ट हो गई है, वो और RPM भी अच्छे से लेने लगी है। तो दोस्तों, अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट करने के बाद वो अगर मान फंक्शन जो लाइट होती है यहाँ पर चेक इंजन लाइट मीटर के अंदर वो चली जा रही है, तो आप समझ लीजिएगा जो आपके सेंसर वगैरह होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से किसी ने छेड़छाड़ करी है। तो जो हमारी पास ये बाइक थी स्प्लेंडर VS6 FI वेरिएंट बाइक, इसके कोई सेंसर में प्रॉब्लम नहीं थी। जो इसका ये यहाँ पे एयर का पेच होता है, यानी कि जो इस पेच से क्या होता है दोस्तों, जो अपनी एयर होती है वो टोटल बॉडी के अंदर इंजेक्टर के अंदर मिक्स होती है। तो किसी मैकेनिक भाई ने या किसी बंदे ने इसको टाइट कर दिया था, इसकी वजह से जैसे ही हम अपनी बाइक की एक्सेलेटर छोड़ लेते मोड़ पर या फिर कहीं जंप पर, तो अपनी जो बाइक थी वो एकदम ही बंद हो जा रही थी। तो दोस्तों, वीडियो में हमने जो परेशानी थी बाइक की वो सॉल्व कर दी है। इसके जो RPM है थोड़ा, इसके जो RPM होते हैं दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा के ही रखने हैं, जब भी अपनी बाइक जो होगी बंद नहीं होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लेना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को आपको ऑल पर सेट कर देना है, न्यू वीडियो जब भी डालूँ सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख करके बाइक से जुड़ी परेशानी से छुटकारा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।